हेलो दोस्तों, आज हम और एक इम्पॉर्टेंट डिबेट और बहुत मज़ेदार डिबेट में कहूँगी डॉक्टर जाकिर नायक की देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक शख्स ने क्वेश्चन करा है कि जब ईश्वर और अल्लाह एक है तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब सिर्फ इस्लाम को ही क्यों सच बोलते हैं, उसके अलावा दोनों पे क्यों नहीं साबित करते, यानी दोनों को सच क्यों नहीं कहते। जब ये मानते हैं कि ईश्वर और अल्लाह सब एक ही है तो सिर्फ इस्लाम क्यों, इसका जवाब तो ये वीडियो सुनने के बाद ही मिल सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी रिक्वेस्ट डालना ना भूलिए। तो आइए बिना देरी किए वैसे शुरू करते हैं। माता मित्र आशिफ से यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आट्यापिट्या कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असतं ना। मग तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर ईश्वराला धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। नाही साहेब, बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है। जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है, ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। लेकिन ये मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई ये कशा साठी, एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख क्या ये भांडण क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? एकच नको ना, एकच पाहिजे, एकता पाहिजे। तो एकता के लिए तकरीर हो रही है, नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो आज भांडण हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडण नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नहीं भांडण असं म्हणत नाही, देवानी इस्लाम धर्म सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटा पिटा झालं नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते हैं? ये पानी वाटर जल क्या है? सिर्फ पानी कहो, ये सराइल मानल पाजे ना। पानी कह सकते, जल कह सकते, पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब सब धर्म का पैगाम एक ही है, वो मिलावट को हटा दो, जो यक्स है उसके ऊपर अमल करो। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको जितने डॉक्टर साहब आपको जितने समझना है, सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आट्यापिट्या करायची गरज नव्हती, म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं, पण हे विविधता का तयार झाली असं का व्हावं, तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले जरा, मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है? नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लाम ही एक ही करना मांगता था ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ, आप शायद हिंदी नहीं समझते। मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे। आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं, ईसाई सिख बौद्ध इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ, बोलो। भगवान ने ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा, वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो। लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए। और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए। बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना। लेकिन वक्त जाने के वजह से इस
पैगाम में तब्दीली आने लगी। जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए, और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए, और आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूँ कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम अज कम उस पर तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब। मैं ईश्वर अल्लाह मानता हूँ। बिल्कुल सही, आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5-8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10-27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूँ मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्वावेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब, एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानता हूँ। बस मैं भी मानता हूँ। आप मानते हैं उस ईश्वर में की प्रतिमा नहीं है? नहीं है। नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है? बस बिल्कुल सही। तो पहले पे पास है आप, पहले स्टेज में आप पास है, पहले स्टेज में पास है आप। तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल के अवतार आने वाले, उस कल के अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश। भाई साहब ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है, दूसरे उत्तर दिया। आप सुनिए, आपने कल की माला नका सांगो, मैं क्या विचारतो, हिंसा मान्य है का तुम्हारा? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये मराठी में लेक्चर नहीं हो रहा है। हिंसा मान्य है क्या भाई साहब? ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है, आप मुझे सवाल पूछ रहे। आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं, वॉयलेंस। इस्लाम के मानी है अमन, इस्लाम आता है लव्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन, इस्लाम धर्म है अमन का। हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ बाद में पूछ सकते हैं अगर दूसरा कोई। तो दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मैं कहूँगी फनी डिस्कशन था, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप था शायद वो मराठी की वजह से, और वो हिंदी का जो मराठी और हिंदी का जो कम्युनिकेशन गैप था, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक की मराठी अच्छी नहीं थी, और उस शख्स की पूछने वाले की उसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी, वो मराठी में ज़्यादातर था। बट हाँ, जिस तरीके से जो वो सवाल पूछना चाह रहे थे, शायद मुझे नहीं लगता वो उस बात से सेटिस्फाई होंगे, लेकिन हाँ वो उनका जो कहने का मतलब था, जो सवाल उन्होंने पूछा था वो यही था कि ईश्वर और अल्लाह एक है तो सिर्फ इस्लाम क्यों। तो डॉक्टर जाकिर नायक साहब जो है वो उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, मगर जैसे हमने बात की शायद वो इंसान उस चीज़ को समझ नहीं पाया, एंड लैंग्वेज वॉज वन ऑफ द बैरियर एक्चुअली। एंड दिस इज़ अ फैक्ट कि लैंग्वेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स टू कन्वे आवर थॉट्स, और अगर आपकी लैंग्वेज सही होना तो आप हारी हुई जंग भी जीत सकते हैं। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है लाइफ में, चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, आप क्लियरली कितने अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स वॉट मोर इम्पॉर्टेंट इज़। वेल, आपका क्या कहना है इस वीडियो पे और इस बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली आपकी रिएक्शन और आपकी डिमांड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाय।